हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज विनय। वेलकम बैक टू माय चैनल कैट इज राइट विद अनदर वीडियो। तो बहुत ही दिनों के बाद ये जो वीडियो है गाइस वो अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है मेरा लास्ट वीडियो अपलोड करके। एनीवेज, आज है राइड का दिन और एक्चुअली आज की जो राइड है वो कैंसिल हो गई थी। मैं एंड मेरा एक फ्रेंड है राहुल, हम दोनों ही राइड को जाने वाले थे एंड देन वो कैंसिल हुआ। बट ऑल ऑफ अ सडन उसने मैसेज करा कि अभी भी हम जा सकते हैं। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं भी फ्री हूँ तो वी कैन गो। तो अभी वो आ रहा है मेरे घर पे एंड हम यहाँ से निकलेंगे राइड के लिए। पता नहीं कहाँ जाना है, दो तीन जगह जो वो डिसाइड हो चुके हैं लोनावला साइड में, या तो फिर जाएंगे खांडी हिल्स में। खांडी हिल्स बहुत ही एक नया लोकेशन है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं, उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो लोकेशन जो है चेकआउट कर सकते हो। मैं एक बार गया था वहाँ पे एंड आई रियली लाइक दैट प्लेस। एनीवेज, अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10। प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि ये दोनों एक्स्ट्रा बैटरीज में चार्जिंग है नहीं, और ये एक एक्स्ट्रा बैटरी जो मैंने यहाँ पे डाली है, देखते अगर इसमें चार्जिंग होती है तो आई विल बी एबल टू डू मोटो व्लॉग, वरना फिर मोटो व्लॉग नहीं हो पाएगा। और इसमें भी बहुत ही कम चार्जिंग बाकी है। मैं वैसे भी ये पावर बैंक जो कैरी कर रहा हूँ, तो ये पावर बैंक से ये बैटरी चार्ज हो जाएंगे, जब ये चार्ज हो जाते तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. तो जब भी मैं कोई राइड पे जाता हूँ, my friends really get excited because उनको पता है कि अगर मैंने राइड पे जा रहा है तो he's going to make some videos. मुझे भी काफी अच्छा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मेरे राइड पे ज्वाइन हो। एक ग्रुप बनाऊंगा मैं जिसमें बहुत सारे फ्रेंड जो है वो एड हो सके एंड देन वी कैन गो ऑन राइड टूगेदर। ऑल राइट गाइज, आई एम ऑल सेट। तो ये वाली जैकेट मैंने पहनी है, दिस इज नॉट अ राइडिंग जैकेट, लेकिन हम कहीं दूर भी नहीं जा रहे तो दिस इज फाइन। पहले वाली राइड पे मैंने ये वाला ब्लैक कलर का जैकेट पहना था, अभी काफी अच्छा है बाइक राइड अगर आप करते हो तो, बट आज मैं ये वाला पहन रहा हूँ। यहाँ पे हेलमेट रेडी हो चुका है, कैमरा भी इस पे लग चुका है, बैटरी जो है वो चार्ज हो रहे हैं। ये मैं पहन नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वाला पहन लिया है, तो हाथों के लिए मैं ये पहन नहीं रहा हूँ बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि बहुत लंबी राइड नहीं है। ओके, तो राहुल इज हियर। राहुल से हाय। हेलो, कुठे जायचे? कुंडलिका वैली, नहीं तो पल्स वैली। 20 मिनट्स लेटर, लोगों ने हमारा फर्स्ट फ्यूल ब्रेक जो है वो ले लिया है। एक्चुअली राहुल के बाइक में पेट्रोल नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे रुके हिंजवड़ी साइड में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे। मेरे बाइक में तो ऑलरेडी पेट्रोल था और मेरे गोप्रो की जो बैटरी है वो भी डेड हो चुकी है, तो इसको भी अब मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। I don't know if I believe the information given that there was someone by your side. Coming back inside my body for a second. ट्रिप मीटर 1 जो है वो 0 पे सेट हो चुका है, सो दैट हमें पता चले कि हमने कितने किलोमीटर्स की राइड जो है कम्प्लीट की है। अभी तक हम लोग पेट्रोल पंप से निकले नहीं है, ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप जहाँ पे हम रिफ्यूलिंग के लिए रुके थे एंड आई थिंक इट इज़ डन। चलो, बाय द वे इस वाले राइड पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट टाइम हो रही है। फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग विद राहुल, जो पुणे का AOG ग्रुप है, ही इज़ वन ऑफ द राइडर्स फ्रॉम AOG ग्रुप। तो उसने मेरी वजह से उसकी राइड कैंसिल करी AOG ग्रुप के साथ एंड वी आर हियर फॉर आवर राइड। AOG का फुल फॉर्म होता है अपाचे ऑर्गेनाइजेशन, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, मैं इसको पूछता हूँ। AOG का फुल फॉर्म? अच्छा, अपाचे ओनर ग्रुप। नाइस। सो फर्स्ट टाइम दिस इज माय राइड विद राहुल, फर्स्ट राइड ऑफ 2022, फर्स्ट राइड यूजिंग माय न्यू ग्लोव्स एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ बाइक पे हैंडल गार्ड्स लगा के। तो बहुत ही सारे फर्स्ट टाइम हो रहे इस वाले राइड पे एंड आई एम रियली एक्साइटेड। और हाँ, एक और चीज, फर्स्ट राइड ऑन माय न्यू बाइक टायर। बाइक टायर का जो वीडियो है वो मैंने बनाया था, आपको अगर वो वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है ऊपर आई कार्ड में आ जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये मेरी फर्स्ट राइड है इस बाइक पे एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट इस बाइक को चलाने में जब से टायर चेंज हुए हैं। वैसे जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं वो अराउंड 60-65 किलोमीटर्स है मेरे घर से, तो नॉट अ लॉन्ग राइड दिस इज, बट जो भी है देखा जाएगा। मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सम प्लस वैली है या पल्स वैली है, आई थिंक इट इज़ पल्स वैली। वी आर गोइंग टू पल्स वैली जो तामिनी घाट के थोड़ा आगे जाके है। Tell me everything about you, go slow.
यार देखो मजा तो बहुत आ रहा है, मजा इसलिए आ रहा है ना बिकॉज ये जो बाइक है बार बार राइड करने को मिलती नहीं है, और जब भी मिलती है तो मैं विद इन हमारे एरिया में इसको चलाता हूँ जिसमें मजा बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन जब ऐसे खाली खाली रोड होते हैं, इस वाले रोड पे ये बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। आई रियली एन्जॉय दिस। एंड राहुल जो मेरे पीछे है सोच रहे आगे जाके कहीं पे ब्रेक ले ले। वी आर नॉट प्लानिंग टू हैव लंच राइट नाउ, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ खा लेंगे काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड वापस हमारी जर्नी के लिए विल कंटिन्यू। ऑलराइट गाइज, डन विद आवर ब्रेकफास्ट। तो हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं बिकॉज हमें प्रॉपर एक लंच करना है जो होगा नॉन वेजिटेरियन, तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन था नहीं और इतने जल्दी हमें लंच करना भी नहीं था, इसलिए मैंने खाए पोहे और राहुल ने खाई थी मैगी एंड एक एक चाय जो है वो भी हमने पी ली। एंड आप देख लो बहुत सारे बाइकर जो है इस वाले रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जान में जान आ गई और अभी टाइम हो रहा है 12:40 PM। हमने 12 बजे ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रुके थे एंड 40 मिनट्स हमने वहाँ पे स्पेंड किया। जिस लेक के बारे में आपको बता रहा था वो है ये वाला लेक जो कंटिन्यू होके आगे तक जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो लेक है वो प्राइवेट लेक है टाटा का, और टाटा जो है इस लेक को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो ये बात मुझे अभी पता चली। मैंने फ़ोन जो है चार्जिंग पे लगा दिया है बिकॉज मैं फ़ोन से ही व्लॉग करता हूँ एंड वैसे भी राहुल जो है वो लीड कर रहा है बिकॉज द डेस्टिनेशन इज सेट बाय हिम। I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach and then at night I'll sing your favorite lullaby. देखो राइड करने के बाद जो मोटिवेशन आपको मिलता है ना, जो एनर्जी आपको फील होती है, तो उस एनर्जी से आपको लगता है कि और राइड की जाए, देन यू ट्राई टू गो फॉर मोर राइड्स। लेकिन अगर आपके राइड के बीच में गैप पड़ जाए ना, तो फिर नेक्स्ट राइड करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वो नेक्स्ट राइड करने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको आपका जो माइंड सेट है वो रेडी करना पड़ता है राइड के लिए। लेकिन एक बार राइड हमने अगर शुरू कर दी तो उस राइड के बाद आपकी जो नेक्स्ट राइड है, आई एम श्योर अगर आप नेक्स्ट राइड करते हो तो वो बहुत ही जल्द होगी। नेक्स्ट राइड के लिए होपफुली हमारे पास और ज़्यादा राइडर्स होंगे। राइडर्स कम हो या फिर ज़्यादा हो मैटर नहीं करता बिकॉज आपको बाइक तो इंडिविजुअली चलानी होती है, आपको किसी से बात नहीं करनी होती है। बट देन होता ये है ना कि अगर आपके साथ ज़्यादा राइडर्स है तो आपको उतना सपोर्ट मिलता है, यू हैव सो मेनी राइडर्स, यू गेट टू नो मोर पीपल एज वेल। तो गाइज हम लोग ये वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। ये पॉइंट का नाम क्या है मुझे भी पता नहीं है। हमको जाना था पल्स वैली, लेकिन पल्स वैली हमें दिखा नहीं, तो ये वो मेन रोड है। तो उस मेन रोड से लेफ्ट आके हमें ये वाला पॉइंट जो है मिल चुका है। लास्ट टाइम जिस राइड पे मैं आया था वो इसी पॉइंट पे हम लोग आए थे, तो मैंने सोचा इसी पॉइंट पे वापस आया जाए। एंड वहाँ पे मेरी बाइक है, वहाँ पे राहुल की बाइक है एंड कुछ इस तरीके का व्यू जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब इतनी धूप थी नहीं और बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अभी वैसा है नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, सो यहाँ पे आप फोटोज़ ले सकते हो, वीडियोज़ ले सकते हो, आपके बाइक्स के साथ रील्स बना सकते हो। तो मैंने एक दो रील्स बनाए थे इंस्टाग्राम पे, मैंने ऑलरेडी उसको अपलोड कर दिया है एंड वी आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम हियर। What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you, what if you, what if you been sitting everything? जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें जाना था पर्ल्स वैली और हमें जाना था कुंडलिका वैली, तो ये दोनों जो वैलीज है वो पीछे रह गए और हम थोड़ा आगे आ चुके हैं क्योंकि मुझे ये पॉइंट दिखाना था राहुल को। यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं है, जो डिस्टेंस है यहाँ तक का वो 85 किलोमीटर्स था
बट इट इज़ वर्थ कमिंग। एंड मेरे पीछे का आप व्यू जो है वो भी देख सकते हो। कैमरा में तो ये इतना खास दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप एक्चुअल में ऐसे लोकेशंस पे आते हो ना, तभी आपको पता चलता है इस लोकेशन का क्या मज़ा होता है। तो गाइस, कैटी का कैमरा अपने हाथ में आ चुका है। मैं आपको ये राइड की सच्चाई आपको बताता हूँ। ये प्लान तो हमने कल ही किया था, लेकिन कैटी ने इन मौके पे ये प्लान कैंसिल कर दिया। कुछ तो कारण बताया और कैंसिल कर दिया। वैसे तो हमारा प्लान था कि 7 बजे चालू करने का था, लेकिन कुछ कारण से कैटी ने ये राइड 10 बजे चालू किया और आज दोपहर के 1:30 बजे और अभी तक हमने खाली एक ही पॉइंट देखा है। अभी तक एक ही पॉइंट देखा है। और एक्चुअली मुझे भी बहुत जल्द आना था राइड के लिए, सुबह ही हमें निकलना था 7 बजे। और इसके पहले भी हमने 3 से 4 राइड जो है प्लान कर दिए थे, बट वो कभी एग्जीक्यूट हो नहीं पाए। तो सुबह 7 बजे का प्लान था हमारा राइड पे जाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया, मैं किसी काम में अटक गया था। बट देन मेरा जो काम है वो 9 बजे तक ख़त्म हो गया, एंड देन 10 बजे हमने राइड स्टार्ट की। आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो भाई, प्लान 3-4 बार प्लान किया है। हाँ, लेकिन एक हर वक्त खाली तूने कैंसिल किया। हर वक्त मेरा कभी कभी मेरा कभी प्लान कैंसिल करने का इरादा नहीं था, हर टाइम तूने ही प्लान कैंसिल किया। तो आना नहीं चाहता क्या मेरे साथ? मैंने बोल दे तू आना नहीं चाहता तो मैं नहीं आता अगली बार तेरे साथ। मैंने जैसे आपको बोला था, राहुल जो है वो AOG पुणे ग्रुप का एक राइडर है, तो उसने आज के दिन पे वो वाली राइड जो वो कैंसिल करी बस मेरे साथ आने के लिए। तो आई थॉट कि इस राइड पे जाना चाहिए। तेरे साथ आने के लिए मैंने 30 राइडर्स को ना बोल दिया, तेरे अकेले के साथ आने के लिए। लेकिन हम दोनों जो इस राइड पे आए हैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ज़्यादा राइडर्स होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन नेक्स्ट टाइम होपफुली अगर कोई राइडर्स आते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग राइड पे आएंगे। भाई हम दोनों ही मचा देंगे अगली बार से भी। हाँ, ये बार तो मचा रहे, अगली बार भी मचाएंगे। हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग आए थे कितने साल दो 1:30 अराउंड 1:30 1:30 हम लोग यहाँ पे आए थे, और अभी टाइम हो रहा है 2:32। तो एक घंटा जो हमने यहाँ पे बिताया और बहुत सारे फोटोज़ हमने क्लिक किए। फोटोज़ अगर देखना है तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा। रिटर्न जाते टाइम हमें पहले प्लस वैली लगेगा, और वहाँ से एक्चुअली हमने गूगल मैप्स पे देखा तो वॉकिंग डिस्टेंस जो है जहाँ से हमें गाड़ी पार्क करनी है वहाँ से लेकर के जो पॉइंट है वॉकिंग डिस्टेंस जो काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं कि प्लस पॉइंट पे रुकना है या फिर उसके आगे जाके कुंडलिका वैली पे रुकना है, दोनों देख लेंगे। क्योंकि हमें जल्दी सी भी बात की है नहीं, अगर आज ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर शायद हम घर पे ही ऐसे बैठे रहते हैं। तो उससे अच्छा हम लोग आए हैं तो हर एक पॉइंट जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे।